नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इन्वेस्टी नॉलेज। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं इस बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ, आपके सामने एक नए यूनिवर्सिटी के साथ जो राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी का आज हम डिटेल जानेंगे, कोर्स डिटेल्स एंड अप्रूवल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी राजस्थान के जयपुर में स्थित है, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी 2012 से कंटिन्यू अपना कोर्सेस रन कर रही है। 2012 में इसे अप्रूवल मिला था UGC के थ्रू, इन्होंने गजट नोटिफिकेशन पेश किया था और इन्हें 2012 में इन्हें अप्रूवल मिला। उसके बाद ये कंटिन्यू अभी तक 10 सालों में कंटिन्यू ये अपना कोर्सेस सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो जब भी चेक करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो पहले हम लोग UGC अप्रूवल देखते हैं कि उन्हें कौन से ईयर में इन्हें अप्रूवल मिला है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करेंगे कि इनके अदर अप्रूवल्स कब कब मिले हैं। इनके एक्चुअली जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल AIU का अप्रूवल है इनका, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का अप्रूवल इन्हें मिला हुआ है, ठीक है। सेकेंड थिंग है, इन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिला है। जो भी बच्चे यहाँ से BA और BLLB इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज है और LLB के जो कोर्सेज है, ये आराम से कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है कि इन्हें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर्स का मिला हुआ है। काउंसिल ऑफ बहुत से बच्चों को पता होगा कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर्स क्या है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर्स है कि जो बच्चे बैचलर इन आर्किटेक्चर्स में जो कोर्सेज करना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें मतलब वो यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर्स का भी इन्हें अप्रूवल मिला हुआ है, ठीक है। और थर्ड में है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी इनको अप्रूवल मिला हुआ है। ये जो बच्चे डी फार्मा बी फार्मा के जो कोर्सेज चाहते हैं करना, जो जिनको फार्मेसी में जो इंटरेस्टेड है, मतलब इंटरेस्ट जिस बच्चों को है, वो आराम से यहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं। एक है इनका ITPI, इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन एंड प्लानर इंडिया, एक इंस्टीट्यूशन है जो 1947 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी ITPI से भी इन्होंने अप्रूवल लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है इनका कि किसकी जो का जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इन्होंने अप्रूवल लिया हुआ है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसीज का है इनके पास, ठीक है। इस टाइप से इन्होंने अप्रूवल लिया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंटीरियर डिजाइनर्स का इन्होंने अप्रूवल लिया हुआ है। जो इंटीरियर डिजाइनिंग में जो कोर्सेज वगैरह करना चाहते हैं, वो भी यहाँ से कर सकते हैं। इस टाइप से इन्हें नीति आयोग से भी अप्रूवल मिला हुआ है। तो दोस्तों, अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि जितने भी जो कोर्सेस हैं, मतलब जो अप्रूवल चाहिए इनको, BCI का, PCI, ठीक है, प्लानर ऑफ आर्किटेक्चर्स का, तो ये सारे अप्रूवल्स इनका मिला हुआ है। तो ये मतलब इस जो कोर्सेज हैं, ये आप यहाँ से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात हम करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेस रन कर रहे हैं। तो बेसिकली इनका कोर्सेज जो हम लोग देख रहे हैं कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ये पूरा BTEC का कोर्सेज जो है, कंप्यूटर साइंस है इनके पास, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, ठीक है। फैकल्टी ऑफ बेसिक अप्लाइड साइंस में भी है आपका, जितना भी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, लाइफ साइंस है, फॉरेंसिक साइंस है, ये सारा कोर्सेस ही करवा रहे हैं, ठीक है। फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग मैंने बताया था कि उन्होंने लिया हुआ है, अप्रूवल लिया हुआ है, ये करवा रहे हैं। फैकल्टी ऑफ डिजाइन का कोर्सेज करवा रहे हैं, जो इंटीरियर डिजाइनिंग में जो बच्चे इंटरेस्टेड हों, वो कोर्सेज यहाँ से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फैकल्टी ऑफ लॉ का मैंने बता ही दिया। अब फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में जो बच्चे BBA MBA के जो कोर्सेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक इन्होंने कोर्सेज इसमें किया एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये कोर्सेज भी यहाँ से, मतलब बच्चों का डिमांड ज़्यादा रहता है, तो ये कोर्सेज यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आज के डेट में जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो इनका कोर्सेज है, ठीक है। उसके बाद आपका है फार्मास्यूटिकल साइंस का मैंने कोर्सेज बता ही दिया, प्लस नर्सिंग का भी कोर्सेज करवा रहे हैं, लेकिन INC का भी अप्रूवल का इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन आप एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। हॉस्पिटलिटी एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज करवा रहे हैं लोग, ह्यूमनिटीज एंड सोशल साइंस, जो सिंपल जो कोर्सेज करना चाहते बच्चे जो बैचलर्स में
जो डिग्री लेना चाह रहे हो कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर का है, जैसे MSc इन एग्रीकल्चर, ठीक है, BSc इन एग्रीकल्चर, ये सब में जो बच्चे अपना फ्यूचर सर्च कर रहे हैं वो आराम से यहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स का कोर्सेज ये करवा रहे हैं। तो इस तरह से कोर्सेज इनके पास सारे कोर्सेज हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, ठीक है। ये पैरामेडिकल्स के भी कुछ कोर्सेज वगैरह ये इन्होंने लॉन्च मतलब इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस के कोर्सेज करवा रहे हैं। तो ओवरऑल देखा गया है कि इनका जो कोर्सेज जो रन कर रहे हैं पिछले 10 सालों में, तो ठीक ठाक कोर्सेज है, मतलब आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि थोरली मतलब सक्सेसफुली ये 10 सालों से रन कर रहे हैं कोर्सेज को, ठीक है। थर्ड चीज़ है कि इनका जो इंफ्रा भी अच्छा है, और इनका जो प्लेसमेंट जो रेशियो है, प्लेसमेंट रेशियो में इन्होंने जो कंपनीज यहाँ पे दिया है, जिन्होंने जो जहाँ पे जो प्लेसमेंट्स वगैरह में आते हैं इनके पास, ठीक है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे इन्होंने डाला हुआ है, जीनियस है, KPMG है, ग्रांट थोन्तन है, KPMG है, पेटीएम है, बैजूस है, विप्रो है, वेस्ट मैनेजमेंट है, एग्रो स्टार है, ठीक है, ओप्पो, ओरेकल, मेटा क्यूब, ये सब जो कंपनीज हैं, जो कंपनीज में बच्चों का प्लेसमेंट वगैरह होता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जा रहा है कि विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप यहाँ से कोर्सेज कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए भी हम वीडियो को ही समाप्त करेंगे, और देखेंगे अप्रूवल्स मैंने बता दिया आपको, कोर्सेज डिटेल्स भी मैंने बता दिया, उसके बाद आप टोटल सर्च, अगर कोई भी क्वेरी अगर आपका है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करना, उसका मैं जो भी होगा डिटेल्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप इसमें और कुछ नया चाहते हैं तो आप मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका और डिटेल्स में वीडियो लेकर आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।